ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आर मोटिवेशन सेशंस आर बैक। आई थॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम आप सबको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है कि कोई हमें आके पंप अप करे और हमें सही रास्ता बताए। दैट इज व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दीज काइंड ऑफ सेशंस। ऑलराइट, बिफोर आई गेट इनटू दिस सेशन, थिंक कि आज मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अ वेरी क्विक अपडेट, ऑन अ डेली बेसिस आई गेट ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस ऑन माय ईमेल वेयर स्टूडेंट्स आर आस्किंग सम ऑल द अदर क्वेरी, और मैं शायद मुश्किल से 10 या 12 को ही आंसर कर पाता हूँ। बट मुझे उसमें कॉमन क्या दिखता है कि उन 100 में कम से कम 80 क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। कमाल की बात, मैं 80 को आंसर नहीं कर पाता हूं। सो व्हाट वी गाइस आर स्टार्टिंग फॉर यू इज प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड कोरा। यू कैन सी ऑन दिस, सो कोरा पे जाके आप क्वेश्चन लिखे। सो फॉर एग्जांपल, कैसे क्वेश्चन बनाएंगे आप? आपको अगर चाहिए, सर प्लीज गाइड मी अबाउट लास्ट 15 डेज, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लास्ट 15 डेज, प्लीज हेल्प मी मैथॉन गो, राइट द वर्ड मैथॉन गो इन योर क्वेश्चन स्टेटमेंट, जैसा कि दिखाया जा रहा है। प्लीज वॉट प्लीज हेल्प मी मैथॉन गो शुड बी देयर इन दी क्वेश्चन, और मैथॉन गो शुड बी देयर इन दी क्वेश्चन। उसे हमारा क्या फायदा होगा कि मुझे अगर क्वेश्चन को पकड़ना है कि आपने क्या करा है, मुझे सर्च में सिर्फ मैथॉन गो डालना पड़ेगा और मैं आपके क्वेश्चन तक कनेक्ट हो जाऊंगा। इन दिस पर्टिकुलर वे अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी हेल्प्ड बाय मी इन बाय जस्ट आंसरिंग वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड दैट माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू एज वेल। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू दिस सेशन एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेशन टुडे। सो I have seen a lot of times people or students who are working really hard, even me as well and my friends as well, right? We are also students, right? So hame kai ki baar hum log kyun nahi perform kar pate hain? Because hamare upar ek bahut bada bojh hai. Kya bojh hai hamare upar? Expectation. Hamare paas itna zyada bojh hai us world ka, expectation ka, jiske andar hum learning bhool jate hain, sirf us bojh ke andar dabe reh jate hain. So, मेरा मानना क्या है, the expectations are from three different parameters. Expectation of yourself, जो आपको अपने खुद से उम्मीदें हैं। तो मेरा मानना ये, इस समय every student has a huge expectation about him in life, जो होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए। You should never think about that you cannot do a thing. But now when the paper are near or when you are preparing, the important target is that So, what is the expectation and what is the preparation? वो matching करना बहुत जरूरी है, which we do not do. So, आप अगर last के 15 दिन बैठे हैं, आपके पास एक साल है IIT को prepare करने का, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको हर समय अपनी expectation के हिसाब से अपने preparation level को improve करते रहना चाहिए. Plus, last के 15 दिन में बहुत ज़्यादा high expectation नहीं करनी चाहिए अपने आप से. राइट, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि यार आप 1.5 साल जिस चीज को कर रहे थे उसमें आप एक लेवल तक पहुंचे, चाहे पढ़ के या बिना पढ़े कहीं भी पहुंचे, वो आप हो, ठीक है? तो यू शुड बी रियली प्राउड ऑफ इट। बट इन 15 डेज नथिंग ट्रेमेंडस, नथिंग मैजिक इज गोइंग टू हैपन विच विल शूट यू फ्रॉम हेयर टू ड्रास्टिकली देयर, राइट? कोई भी ऐसी मैजिक पोर्शन नहीं है। सो सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ यू, जिससे आप टेंशन फ्री रहेंगे। जो टेंशन फ्री रहोगे तब जाके पेपर में अच्छे नंबर बनेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड आई थिंक ऑफ इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेरेंट्स। एक हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम है इंडियन कल्चर में कि पेरेंट हमारे से बहुत एक्सपेक्ट करता है, और वो भी गलत नहीं है, राइट? पेरेंट्स हैव बीन स्पेंडिंग ऑन यू इन एंड आउट। आपने जिस इंस्टीट्यूट में बोला आपको एनरोल कराया गया, जिस आउटसाइड कोर्स में एनरोल कराने को बोला, वो वहां पर पैसे जमा करते हैं, अपनी औकात से ज्यादा पैसा आपके ऊपर स्पेंड करते हैं। सो उनका एक्सपेक्टेशन लेवल जरूर होगा। वो ये नहीं कह सकते कि यार मैंने आपके ऊपर इतना स्पेंड करा, नॉट जस्ट इन 12th, दे हैव बीन स्पेंडिंग यू सिंस यू हैव बीन बॉर्न। तो उनका एक अपना इंटरनल फैक्टर होता है कि यार मैं अपने बच्चे को सबसे ज्यादा ऊंचाई पे देखना चाहता हूं, तो वो प्रेशर हमेशा रहता है। बट एज अ स्टूडेंट, एज अ परफॉर्मर, यू शुड नॉट थिंक टू मच अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज दैट इज वेरी ऑब्वियस, हर पेरेंट करता है, उसका कोई कंट्रोल पावर नहीं है। What you should think of is, आपके ऊपर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है, और पेरेंट से बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई करता नहीं है एक स्टूडेंट की लाइफ में, हाउ यू विल रीपे हिम। अब रीपे का मतलब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उसको रैंक से ही तोलें, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, और रीपे करने का मौका आपको सिर्फ एक बार नहीं, यू विल गेट इट वेरियस टाइम्स इन योर लाइफ। और वो जरूरी नहीं है पढ़ाई से, हो सकता है उनकी रिस्पेक्ट करके, हो सकता है उनकी हेल्प करके। Obviously, education and setting your career is one of the most important ways by which you can repay, but it is not the only way, and only IIT is not the only way. ठीक है, तो इसलिए उस प्रेशर में नहीं आना चाहिए। You should be really loyal to them, झूठ नहीं बोलना चाहिए, उन्हें उल्लू नहीं बनाना चाहिए, ये आप अपनी तरफ से कर सकते हो। Third important expectation, there is an expectation pressure from
friends and peers, classmates, institute students and everywhere. Do not fall into that trap. ये third level का और मैंने priority order में expectation set करी है. Expectation pressure of yourself, then the expectation pressure of your parents, third is the expectation pressure of your friends. वो तो साला count ही नहीं करना चाहिए. वो सबसे घटिया चीज है जो इंडिया की सारी population करती है. You should not be worried about or under pressure या तेरा friend क्या कर रहा है, तेरा girlfriend boyfriend क्या कर रहा है, तेरे बच्चे दोस्त क्या कर रहे हैं, तेरे क्लास में लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हारे इंस्टीट्यूट में लोग क्या कर रहे हैं. नो टू पर्सन आर सेम इन दिस वर्ल्ड. गॉड हैज क्रिएटेड अस वेरी वेरी डिस्टिंक्टिवली, राइट. हर ह्यूमन को अलग बनाया है. आपकी कैपेसिटी और मेरी कैपेसिटी में बहुत कुछ यूनिक है, बहुत कुछ अच्छा है, राइट. सो उसको पकड़ने की कोशिश करो रादर देन गेटिंग इन टू द प्रेशर कि उसने क्या करा, उसने क्या करा. अगर इन ये थर्ड वाला एलिमेंट आप हटा दोगे, आई बिलीव ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपका स्कोर खराब करता है. अब अगर मैं प्रायोरिटी वाइज चलता, इंपॉर्टेंस है यू शुड हैव रियल एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू, यू शुड कंट्रोल योर पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एंड यू शुड नॉट बॉदर एनी वेयर अबाउट योर पीयर प्रेशर, पीयर एक्सपेक्टेशन. पर हम लोग इसको उल्टा देखते हैं. हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डालते हैं फ्रेंड एक्सपेक्टेशन, पीयर एक्सपेक्टेशन, पीयर के बाद आ जाते हैं हमारे पास पेरेंटल एक्सपेक्टेशन और थर्ड पे हम एक्सपेक्टेशन अपनी देखते हैं कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. डिड यू गेट इट? एंड दिस इज द सक्सेस मंत्रा फॉर एनीथिंग दैट यू डू इन लाइफ, राइट. मैं ये नहीं कह रहा कि इसको फॉलो कर लोगे तो यार सब कुछ हो जाएगा, या मैंने कह रहा है मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया. आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू ऑल द थॉट्स विच आई हैव लर्नड फ्रॉम वेरी सक्सेसफुल पीपल एंड आई थिंक यू शुड डू इट वेरी वेरी एट द वेरी अर्ली स्टेजेस, तो जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो गलत काम को करने में. ठीक है, सो आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉक्ड टुडे एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट, राइट. एंड आई जस्ट होप फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट इट इज रियली प्रोडक्टिव फॉर यू, राइट. एंड डू नॉट फॉरगेट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी व्हेनेवर यू हैव. जस्ट मेक श्योर आस्क द क्वेश्चन, प्लीज आंसर MathonGo एंड आई विल सर्च MathonGo टैग ऑन Quora एंड आई विल गेट बैक टू यू. गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड, आई विल कम अप विद अनदर मेजर मोटिवेशन सेशन फॉर यू ऑल गाइस. एंड बिलीव द लास्ट थिंग दैट आई ऑलवेज से, you can do it. If I can do it, if your friend can do it, if somebody else can do it, aap to kar hi sakte ho. Ye maan ke baitho, har roj subah uthte hi apne aap se 10 baar bolna chahiye, main kar sakta hu, main karke dikhaunga, main fod ke dikhaunga. Ye bahut zaruri hai. Got it? God bless you all. Keep working hard.